हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी, आज की जो वीडियो है वो है मेकअप ट्यूटोरियल। और इसमें स्पेशल क्या होने वाला है वो ये कि अली जो है मेरे हस्बैंड, वो मेरे साथ वॉइस ओवर करेंगे। तो अली कुछ बोलो। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह खूबसूरत बना जाता है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक चीज़ मैं बताती हूँ, एक चीज़ आप बताना। सही, सबसे पहले मैंने लगाया है फेस मिस्ट, ठीक है, उसके बाद आपने लगाया है सीरम। जी, डॉक्टर रशील का सीरम लगाया है, डॉक्टर रशील का सीरम ऑरेंज से बना हुआ। हाँ, वाइटामिन सी सीरम। वाइटामिन सी, सही बताया, सही बताया। वो पैकेट देखा था ना इसका। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये मैंने लगाया है, ये आपके बारे ब्यूटीफाई फातिमा। फातिमा नहीं, आमना। ब्यूटीफाई बाय आमना का मॉइस्चराइजर है ये। बहुत पसंद है भाई फ्रॉक, ब्यूटीफाई बाय आमना का। अब ये लगाई है मैंने, मेरी बारी है। मेबलिन बीबी स्किन, बेबी स्किन, सॉरी बेबी स्किन का मैंने प्राइमर लगा। वाली हो जाएगी है ना? नहीं होती, फुल बेबी बेबी स्किन होती तो नहीं, मतलब सॉफ्ट। हां, सॉफ्ट हो जाएगी। चले भाई, ये कंसीलर लगा ले। ये डार्क सर्कल छुपा है इसने, दुश्मन नहीं है मेरे। उसके बाद इसको ब्लेंड कर लो, जाके अच्छे से छुप जाए। तो जिनकी डार्क सर्कल वो ये प्रोसेस। अब ये क्या, ये क्या बेटा, मैं ये फाउंडेशन है यार, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। मतलब वो जैसे दीवार पे कलर करते हैं ना, वो बेस लगाते हैं, ये बेस बन रही है पूरी। हाँ हाँ, गाड़ी दीवार कलर वो आते ना। हाँ सही है, ठीक है, चले ऐसे ही। पहले आप फेस के अच्छे से बेस बना लें, फिर उस पर आप कलर अप्लाई करें, ठीक है। अब ये मैंने वापस से कंसीलर लगाया, जो कि वाइट शेड का होता है, और ये हाईलाइटर है, सॉरी, हाईलाइट करने के लिए लगाया। मेरी जगह हाईलाइट हो जाए। जी हाँ, हाईलाइटर वो जो, ये बता दें अली को, ये तो पक्का पता होगा। ये तो इतना तुमने नाम लिया है टिंट। ये टिंट है, ये इतना नाम और लिया ये मैं लगा दिया। फिर ये मैंने लिप बाम, नहीं लिप बाम नहीं, चलो कॉन्टोरिंग, क्रीम कॉन्टोरिंग कर रही हूँ मैं इस टाइम। अभी करूँगी ना ब्लेंड, सब मैंने ब्लेंड करना है एक साथ, ठीक है। कंटूरिंग, ये है क्रीम कंटूरिंग, डिफरेंट कंटूरिंग, कंट्रोलिंग हो रही है, कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, कंटूरिंग, कंटूरिंग, बट डिफरेंट हो रही है। हाँ, ये मैंने स्प्रे किया और इससे मैं इस तरीके से, इससे बड़ा अच्छा इफेक्ट आया था, मैंने ट्राई किया था, नहीं हो फिक्सिंग स्प्रे, क्या किया, फिक्सिंग स्प्रे। अच्छा, फिक्स कर और सबको ब्लेंड कर दिया सिंपल। देखिए लुक, देखिए आप कैसी चेंज, लेकिन सब छुप गया, सब छुप गया। ये बाद में, इस वीडियो के बाद इनकी पिटाई होगी। ओ भाई, किलो भाई, चमकीला चमकीला लगाया कुछ, ये शाइनिंग शाइनिंग। अब तो वो भी हाईलाइटर था पहले वाला, वो दूसरा था, ये चमक वाला हाईलाइटर है। अब ये मैंने फिक्सिंग स्प्रे कर लिया पूरे फेस पे, ताकि मेकअप फिक्स हो जाए। उसके बाद आईब्रोज की, फिक्स हो जाए, मैं हिलेगा नहीं। हां, मतलब वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ है, वो नहीं होगा, समझ गया मैं। ज्यादा देर तक रुका रहेगा, ज्यादा देर तक जो है वो रुका रहेगा, ठीक है। जी जी, मेरे साथ रह रहे कि नहीं, सब सीख जाएंगे, आदत तो वैसे ही सीख। मेकअप आर्टिस्ट ना बन जाऊं मैं। अभी एक कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूं मैं, जो कि मैंने लिया है जीरो मेकअप पैलेट से। जीरो मेकअप इफ्रा हमेशा बोलती है, जब उसको कॉल्स के, मैं बोलता हूँ जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, चलना है, तो ये कहती है जीरो मेकअप कर रही हूँ। तो जीरो मेकअप का इसने मुझे मतलब बताया कि कुछ करना ही नहीं होता, लेकिन करना भी इतनी टाइम लग जाता है। नहीं, वो थोड़ी कम चीज़ें होती हैं वैसे, लेकिन देर तो उसमें भी लगती है। अच्छा जी, ये मैंने एक आईज डन कर ली, देखा आपने, तो वो तो अभी बताया नहीं अपने, उसको बता रही हूँ, दूसरी आइस बता रही हूँ। तो मैंने ऐसे ही मेकअप करना है दूसरी आइस पे, और मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ बाउंटी मरियम परवेज का है, जो कि, और ये मैंने एक पिंक शेड लिया है ट्रांजिशन शेड, और इसको ब्लेंड कर रही हूँ अपनी क्रीज एरिया पर, ठीक है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? लाल लाल आंख हो रही है, लाल नहीं, पिंक है, पिंक हो रही है, मुझे रेड लग रही है यहाँ से, सही से देखें, पिंक है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा डार्क शेड लिया, और इससे और ज़्यादा डार्क डेप्थ देने के लिए ब्राउन शेड लिया, और अपने आउटर कॉर्नर पे डेप्थ दे रही हूँ, इसके डेप्थ हो रही है आपके कोने पे। अच्छा, इफ्रा ने मेरा मेकअप आर्ट भी करना है, याद है, फिर वीडियो बनानी है अपने। हाँ, एक इंशाल्लाह एक अली के मेन लुक वाला जो मेकअप आर्ट करूँगी, हो सकता है हम यहाँ से करें या किसी नई जगह से करें, बट बहुत जल्द इंशाल्लाह।
सॉरी लोअर आईज पे भी मैंने सेम कलर लगाया है, ब्राउन लगाया है। और मतलब फेस के जितने पार्ट्स होते हैं उन सब पार्ट्स पर अलग अलग मेकअप अप्लाई हो रहा होता है जी। और ये मैंने हुदा ब्यूटी के पैलेट से पिंक शेड लिया है और इसको अपनी आईज पे लगा रही हूँ। उसके बाद मैं लगा रही हूँ लिक्विड आई लाइनर, और बहुत ही सिंपल सा आईना लगाना है, बेसिक सा। कितना रह गया है, कब खत्म होगी? बस थोड़ी सी रह गई है, मुझे वॉइस ओवर करना तुम लेके बैठ गई हो। हाँ अली का बस नहीं चल रहा कि भाग जाए, है ना? तो ये होता है जब पुरानी शादी हो जाती है। नेचुरल भाई, सबके साथ होता है। शादी के बाद यही होता है, शादी से पहले ये बिल्कुल हालात चेंज होते हैं। और ये लेंसेस में लगा रही हूँ, ये चीज कि मैं समझा के थक गया प्रो को। क्या बट लेंस लगा? हाँ अली ने मुझे बहुत मना किया हुआ है, और आज आप अपनी आंखों से देख ले मैं ऐसे लेंस लगाती हूँ। एक आंख में भूल गई थी याद है, इसलिए मना किया। हाँ तो अली मुझे लेंसेस नहीं लगाने देते। फिर ये वाइट इनर आईज कर रही हूँ मैं अपनी, जो कि काशी का है ये, और कॉन्टोरिंग फिर से करेंगे क्योंकि मेरा मुंह बहुत मोटा लग रहा है। अब हो गया तो क्या करें फिर, चौलाइन तो नहीं यार, चौलाइन तो नहीं दिया, गौर से देखिए आएगी। अच्छा खैर, तो ये मैंने ब्लशन लगाया है जो कि हम एसेंस का। उसके बाद ये मस्कार लगाऊंगी दोनों लैशेस पे, ऊपर भी और नीचे भी। और जो मैं लैशेस यूज़ करी वो है मरियम परवेज की बीच सोई टच की ग्लू से मैंने लगा दी है लैशेस। ग्लू से चिपका ली? हाँ, पहले मैं सोचता था कि निकलती कैसे होंगी, तो मतलब फिर बाद में तो मैं देख देख के समझ में आई निकल जाती। चलो अजीब अजीब से थॉट्स आते थे पहले आपके पास, प्रैक्टिकली देखा नहीं था ना किसी को लगाते हुए। आप कैसे समझते थे चिपका ली हमेशा के लिए? नहीं, मैं मुझे ये सोचता था कि निकालते हुए मुश्किल होती होगी ना। होती तो है मुश्किल वैसे, नो डाउट, और सुकून भी मिलता है निकाल के, हैवीनेस हो जाती है, हैवी फील होता है। कब खत्म होगी? खैर ये वाली थोड़ी अच्छी लैशेस हैं, इसमें इतना हैवी फील नहीं होता, वो किसी किसी में होता है, तो ये वाली काफ़ी रिलैक्स थी। अच्छा उसके बाद ऊपर से भी लाइनर लगा रही हूँ ताकि एक अच्छा इफेक्ट, वो जहाँ से मतलब पेस्ट हुआ वो छुप जाए ना। एग्जैक्ट आ गया। फिर ये लिपस्टिक लगाई मैंने जो कि है मेरे पास मिस रोज़ की, और ये है ओरिफ्लेम की, शेड डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। और बस यहाँ पे हो गया मेरा मेकअप फाइनली, इस हो गई रेडी। और हम कहाँ जा रहे थे, रेडी होके कहीं जा रहे थे, बस पिक्चर्स ले रही थी और वीडियोस बनानी। चले भाई वीडियो भी ख़त्म और मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, टाटा बाय बाय, जाने की पड़ी हुई इनको। तो खैर गाइस, होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं थोड़ा सा हाईलाइट और लगा रही हूँ और चश्मे मार रही हूँ, ठीक है।